तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अजीत टगरिया। और फ्रेंड्स, हाल ही में जो है मैंने एक वीडियो बनाया था, यूरोपियन पार्लियामेंट में सीए के विरोध में जो है एक रेजुलेशन पास हुआ है। इसे पास करने वाले थे शफाक मोहम्मद, जो कि ब्रिटिश के पॉलिटिशियन हैं और ये पाकिस्तान से रिलेटेड करते हैं, मतलब पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ये प्रस्ताव जो है पास किया था और इसके ऊपर डिबेट होने वाली थी 29 जनवरी 2020 को, लेकिन इसे जो है डिले कर दिया गया है, ये जो है लेट हो गया है। इसमें इसको डिबेट होने वाली थी 29 जनवरी 2020 को और वोट होने वाला था 30 जनवरी 2020 को, लेकिन इसे डिले कर दिया गया है। अब इसे जो है यूरोपियन पार्लियामेंट कह रही है कि हम जो है इसे मार्च तक जो है इसके ऊपर वोटिंग करेंगे। अभी जो है इसके ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसे बहुत ही जो है हर एक जगह से जो है देखा जा रहा था कि भाई यूरोपियन पार्लियामेंट में पहुंच गया है तो बहुत जो है, मतलब यूरोपियन नाम हमारे इंडिया में क्या नाम बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। तो इसके पास होने से नहीं होने से इंडिया को कुछ फर्क पड़ने वाला था। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया को उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और यूरोपियन मीडिया जो है इसको कवर करने में लग जाती और इसके ऊपर जो है काफी कुछ लिखती। ऐसे ही जो है लोकल मीडिया, और मतलब लोकल नहीं, ऐसे भी काफी चर्चे में था, लेकिन इसे जो है इंटरनेशनल मीडिया भी जो है कवरेज दे देती और इसको जो है बहुत ही बड़ा चढ़ा के जो है बताती। लेकिन अगर इसके ऊपर मार्च में भी डिबेट होगा तो आपको क्या लगता है कि ये पास हो जाएगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता नहीं कि ये पास होने वाला है। मैं किस वजह से ये कह रहा हूँ, क्योंकि तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज में थे कि आखिर ये जो है पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि जो है ये पास हो पाएगा। क्यों, किस लिए मैं क्या ये कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ब्रिक्स जो है वो खत्म हो चुका है और 80 से 89% लोग जो भी इंडिया के खिलाफ में थे वो सब अपने अपने जगह पे जा चुके हैं। इसके लिए जो है मुझे नहीं लगता है कि ये सीएए के रेजुलेशंस के खिलाफ जो रेजुलेशन पास किया गया है वो जो है पास हो पाएगा। क्यों कह रहा हूँ, क्यों, देखिए, जो जो खिलाफ में थे इंडिया के वो तो अपने जगह जा चुके हैं, लेकिन अभी जो पार्लियामेंट में है, यूरोपियन पार्लियामेंट में, वो ज्यादातर लोग जो है इंडियन इंडिया के सपोर्ट में रहते हैं। इसके लिए जो है ये रेजुलेशन जो है पास नहीं हो पाएगा, इसके वो अगेंस्ट में वोटिंग जो है कम आएगा और इसके साइड में जो है वोटिंग ज्यादा आएगा। इसके लिए जो है ये रेजुलेशन बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, वोटिंग ऐसा कहता है। अब देखिए, इससे जो है हमारे इंडिया को कुछ फर्क पड़ने वाला था? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था इससे, इंडिया को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। और बहुत सारे मन में भी ये भी ख्याल आएगा कि आखिर जो है इसका टाइम इतना डिले क्यों कर दिया गया, 45 दिन से लेकर 60 दिन तक जो है इसको टाइम दे दिया गया है कि ये जो है मार्च तक जो है इसको टाल दिया गया है। ऐसा समझ में ऐसा आप सोच सकते हो कि ऐसा किस लिए हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्च 13 को जो है हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी वो जो है जाने वाले थे ब्रसल्स। ब्रसल्स कहाँ, बेल्जियम का राजधानी है ब्रसल्स, ठीक है, वहां पे जाने वाले थे। वहां पे हमारा कुछ ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन होने वाला था, इसके लिए जो है वो जाने वाले थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे जो है हमारा ट्रेड काफी ज्यादा हाई होता। देखिए, 100 से लेके 150 बिलियन तक जो है डॉलर या यूरो में जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन होने वाला था। और अभी ये यूरोप में इसी के वजह से जो है इसको मार्च तक टाल दिया गया है, ताकि वो लोग देखे कि किस तरीके का प्रस्ताव जो है हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री उनको देते हैं, उसी हिसाब से जो है ये सीए के विरोध या किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जब इसके ऊपर, जब मार्च में जब इसके ऊपर बहस होगी, वोटिंग होगी, या पीएम नरेंद्र मोदी जो है उधर जाएंगे, फ्री एग्रीमेंट ट्रेड जो है साइन करेंगे, तब जाके जो है मैं इसके ऊपर आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। तो तब तक के लिए आई होप आपको समझ में आ गया। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिए और किसी के साथ शेयर करना चाहते तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, गुड लक, बाय बाय। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।